दोस्तों अभी आप सामने XUV700 का बड़ा ही शानदार सा कलर देख रहे हैं। अगर आप ये लेने का प्लान कर रहे हैं ना, ब्लैक वाइट या ब्लू ये सब छोड़ दो यार, मैं कहता हूँ एक बार इसको एकदम साफ एकदम क्लीन जो है यहाँ पर कंडीशन में सामने से देख लो आप धूप में क्या लगता है। ये कलर डीप फॉरेस्ट कलर है, ऐसा नहीं है महिंद्रा की ने ये जो है एकदम नया कलर निकाला है, ये आपने जो है मेरे ख्याल से महिंद्रा थार में शायद जो है स्कॉर्पियो एन में देखा होगा, लेकिन अब इसमें भी दे दिया है। एक बार इसे सामने से देखना यार क्या लगता है ये कलर। वेरिएंट अभी आपके सामने ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन XUV700 का जो है यहाँ पे खड़ा है, AX7L डीजल में, वो भी जो है ऑटोमेटिक, वो भी ऑल व्हील ड्राइव। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं ज़रा। सबसे पहले तो आपको इसको मैं दिखा दूँ एक बार सामने, वैसे तो कैमरे में इतना कलर का पता लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है एक बार दिखाया जाए कि कैसा लगता है ये फ्रंट प्रोफाइल से कलर। यहाँ से देख लीजिए डीप फॉरेस्ट कलर है, सामने से अच्छी खासी लुक आ रही है, साइड प्रोफाइल से भी आपको जो है काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पर लुक देखने को यहाँ पर इसकी जो है इस कलर में देखने को मिलती है। साथ ही साथ जैसे आप पीछे आते हैं तो पीछे भी बड़ा ही शानदार सा जो है ये पीछे से कलर आपको जो है देखने को मिलेगा। डीप फॉरेस्ट है, थोड़ा सा जो है एडवेंचर वाली तो फील आती है जो है ग्रीन कलर में। तो इसकी प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सामने डीजल ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरियंट है यहाँ पर जो है AX7L और वो भी ऑटोमेटिक में। तो इसकी एक शोरूम आपको देखने को मिल जाती है 24,99,000 रुपये, और जो यहाँ पर इसके मैनुअल में रहेगी सेम वाले जो है ऑल व्हील ड्राइव AX7L डीजल में, तो इसकी रहती है 22,49,000 रुपये। अब जानते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। वैसे तो एडास वाले सारे ही फीचर्स रहेंगे, टॉप एंड है तो आपको कई अच्छे खासे जो है फीचर्स रहते हैं। महिंद्रा की इकलौती अभी इंडिया में गाड़ी जो कि काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स के साथ में जो है ये स्टार्टिंग में आई थी, अब तो आपको जो है थार रॉक्स में भी अच्छे खासे फीचर्स मिल रहे हैं। तो जानते हैं सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल देखिए अच्छी खासी इस जो है डीप फॉरेस्ट कलर में, याली जो है आप जो ब्लैक ग्रिल है ना पियानो ब्लैक में, काफ़ी अच्छी लगती है। बीच में लाइनिंग भी सिल्वर कलर की काफ़ी अच्छी लगेंगी। बीच में कैमरा आ जाता है। लाइटों की बात करें पूरा लाइटिंग सेटअप ऑटो बूस्टर के साथ में LED में आपको देखने को मिलेगा। LED में DRLs, LED में सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, साथ ही साथ नीचे आपके जो फॉग लैंप्स है ये भी LED में देखने को मिलती है। फ्रंट स्किड प्लेट भी ऐसा सिल्वर थोड़ा थोड़ा जो आपका जो है ग्रे कलर है वैसा आपको जो है देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इसकी जो आपकी लेंथ है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है यहाँ पे 4695 mm की, जो कि आपको अंदर व्हील बेस है आपका जो है इसका 2750 mm, तो अंदर आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। चौड़ी अच्छी खासी यहाँ पर ये जो है रहती है 1890 mm और 1755 mm जो इसकी हाइट रहेगी। और इसके बाद जैसे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं फ्लश टाइप जो है डोर हैंडल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अलॉय व्हील्स जो देख रहे हैं आप, वो आप 235/60R18 प्रोफाइल मिलेगी यहाँ पे 18 इंच के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील, बड़े ही अच्छे लगने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और रियर में भी जो है यहाँ पे डिस्क ब्रेक यहाँ पर रहती रहती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे कैमरा साइड वाले मिरर में भी देखने को मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा है मतलब इसमें आपका जो है टॉप मॉडल में, और साइड इंडिकेटर यहाँ पे दे दिया जाता है। और इसके बाद वाइपर्स भी इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे इस तरीके के जो है प्रीमियम टाइप के मिलते हैं, और एडास का जो है सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर। रूफ रेल्स ये सारी चीज़ें तो कॉमन है इस जो है टॉप एंड वेरियंट के लिए। और ये जो लाइनिंग है ना ये भी जो है आपकी थोड़ा सा मैट फिनिश में जो है यहाँ पे सिल्वर में यहाँ पे दे रखी है। और जैसे ही आप जो है पीछे आते हैं तो पीछे की टेल लैम्प भी एकदम पूरा LED में जलते हुए सिक्वेंशियल इंडिकेटर के साथ में बहुत ही प्यारी लगती है। शार्क विन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, पीछे डिफॉगर वाइपर और बैक कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रियर स्किड प्लेट, रिफ्लेक्टर, ये सारी चीज़ें जो है रियर में देखने को आपको जो है मिल जाएंगी। और साथ ही साथ पीछे जो है लगभग 60 लीटर की डीजल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पर रहती है। इसे ऐसे ओपन करेंगे और यूरिया भी जो है इसमें डलता है। बाकी कुछ ऐसा है रियर में अगर आप आते हैं तो जैसे ही इसे ओपन करूँगा मैं, तो यहाँ पर आपकी जो है ये 7 सीटर में रहती है। तो 7 सीटर में आप जो है यहाँ पर कुछ ऐसा देखेंगे, आप इसे जो है 6 सीटर ऑप्शन में भी ले सकते हैं। 6 सीटर में इसकी एक शोरूम लगभग जो है 22,70,000 रुपये आपको जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ स्पेयर आएगा आपका जो है जो भी छोटे मोटे रहते हैं जैक वैक, और जो है इसका जो है स्पेयर व्हील वो जो है यहाँ पर रहता है नीचे डोनट वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये पीछे की जो सीटें हैं ना ये बड़े लोगों के लिए, मैं कहूँ मेरे जैसे के लिए तो 200-300 किलोमीटर के हिसाब से हैं, लेकिन बड़ा अगर कोई ज़्यादा बॉडी प्रोफाइल वाला बैठता है तो उसे तो दिक्कत होगी। बच्चों के लिए अच्छी खासी यहाँ पर सीट रहेंगी। रियर में आपका जो है AC वेंट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और ये रियर AC वेंट एडजस्ट करने के लिए पूरा यहाँ पर जो है नॉब दे रखा है, और यहाँ पे कुछ अपने ड्रिंक्स आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं। पीछे वाली जो सीट है ये जो है आप जो है रिक्लाइनिंग पोजीशन आप जो है इसे एडजस्ट कर लेंगे अगर आप जो है यहाँ पे करना चाहें।
आगे पीछे जिस तरीके से भी जो है आप अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा और आगे करना चाहें ये कर लेंगे। बाकी अब चलते हैं फ्रंट सेक्शन में, फ्रंट में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप मिड वाली रो में आते हैं तो आपको जो है ये देखिए ग्लॉस पियानो टच मिलेगी ब्लैक में, साथ ही साथ जो यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दे रखा है। पावर विंडो तो कॉमन चीज़ें हैं। 12 स्पीकर का पूरा सेटअप यहाँ पर दे दिया जाएगा, पूरी लेदरेट सीटें मिलेंगी और साथ ही साथ बीच में आर्मरेस्ट रहता है, ये वाली सीट ऐसे फोल्ड हो जाती है। रियर एसी वेंट आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा आपका जो है कुछ इस तरीके से फास्ट वाला। बड़ी सी जो है आपको पैनारोमिक सनरूफ आपकी ऐसी कुछ दे दी जाती है, ग्रैब हैंडल प्रॉपर यहाँ पे देख रखे हैं और ऊपर की जो है यहाँ पर रूफ लाइनिंग आपको कुछ ऐसी लाइट कलर में दे दी जाती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पर लगती है। आपका हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर और को ड्राइवर वाली जो है सीट बेल्ट कुछ ऐसी जो है देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से अंदर चलते हैं तो जैसे ही आप अंदर आते हैं देखिए ड्राइवर डोर पे भी आपको पूरा सॉफ्ट टच इलेक्ट्रिकली फोल्ड एडजस्ट हो जाएंगे वो आरबीएम, साथ साथ सोनी के पूरे 12 स्पीकर का सिस्टम आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है, देखिए पूरी पन्नी चढ़ा के दे रखी है और यहाँ पर मेमोरी का जो है सीट का जो है आपका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और 1, 2, 3 तो इस तरीके से आप जो है 3 मेमोरी यहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं। बाकी डंबल सपोर्ट का आपका जो यहाँ पे सिस्टम दे रखा है पूरा। अब यहाँ पे बैठते हैं तो देखो और व्हील ड्राइव का पूरा सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल जो है, ट्रैक्शन का आपका जो है ESP, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और स्टेयरिंग देखिए पूरा फ्लैट बॉटम वाला है, पूरा जो है लेदर रैप इस पर रहेगा। क्रूज कंट्रोल और सारे जो है यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जैसे एडास में जितने भी जो है फीचर्स आते हैं सारे जो है यहाँ से आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर म्यूज़िक का सारा कंट्रोल यहाँ पे दे दिया जाता है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है वाइपर मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिल जाती हैं और ये जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन कुछ आपको जो है ऐसा देखने को मिलता है। 10.25 इंच की दो बड़ी स्क्रीनें आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें कि आप जो है स्पीडोमीटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्यूल लेवल बताएगा, यहाँ पर आपका जो है पूरा स्पीड और साथ ही साथ जो है यहाँ पर RPM, यहाँ पे जो है गियर कौन सा है, बाकी यहाँ पे जो है टेम्परेचर का, बाकी ये डोर ओपन है तो ये पूरा डिजिटल क्लस्टर आपका ऐसा देखने को मिलता है। बाकी ये रहता है यहाँ पे 10.2 इंच की जो है यहाँ पे 2.5 इंच की जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन एटरनॉक्स के साथ में, आपका जो है सारा कुछ इसमें एलेक्सा इनबिल्ट सारा कुछ एटरनॉक्स, ये सारे कनेक्टिविटी जो है पैकेज एक साल के जो भी सब्सक्रिप्शन रहता है इसका जो है वो आपका देखने को मिलता है। बाकी बैक कैमरे की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो आपको जो है दिखा देता हूँ जो कि कुछ ऐसी कुछ देखने को मिलेगी। 360 डिग्री का पूरा व्यू आप देख रहे हैं गाइड लेंस के साथ में और रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है ब्लाइंड व्यू आपका जो है इसमें कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिलता है इस तरीके से, जैसे कि आप जो है इंडिकेटर देते हैं इस तरफ वाला, इस तरफ का भी देंगे तो आपका जो है दोनों साइड का जो है यहाँ पर दिखा देता है बीच वाली स्क्रीन में। तो ये फीचर्स भी सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। डुअल जोन आपका जो है इसमें AC दे दिया जाता है, साथ ही साथ ड्राइव मोड्स मिलेंगे जिप जैप जूम जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो है इस तरफ वाला जो है आप एयरबैग ऑफ करना चाहें कर सकते हैं और डैशबोर्ड में भी आपको जो है ऐसी टच सॉफ्ट टच मिलेगी, ये थोड़ा सा जो है ग्लॉस ग्रे टच मिलेगी। यहाँ पर ग्लव बॉक्स का साइज काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा दे रखा है यहाँ पर और इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखने को आपको जो है मिल जाती है। डुअल जोन AC है, इस तरफ का अलग टेम्परेचर, इस तरफ का अलग, ये आपका जो है इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको USB पोर्ट एक चार्जिंग के लिए, एक ऑक्स के यूज के लिए आपको मिल जाता है। बाकी टॉर्क कन्वर्टर आपको इसमें जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक ऑटो होल्ड के साथ में जो है ऑटो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर ये जो है कंट्रोल्स मिलेंगे आपको इस तरीके से और साथ ही साथ चाबी कुछ जो है ऐसी देखने को आपको मिलती है जो कि इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको जो है यहाँ पर और यहाँ से जो है ऐसे जो है आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, यहाँ से वॉल्यूम भी। बाकी बीच में आर्मरेस्ट दे दिया जाता है कुछ इस तरीके से सॉफ्ट टच वाला, ऊपर बस डे नाइट IRVM और आ जाए ना मज़ा आ जाएगा, इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आपका जो है यहाँ पे सनग्लास होल्डर और साथ ही साथ जो है यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ नहीं दिया जाता वैनिटी मिरर। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट वो भी जो है फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट जो है आपके जो है कलर में देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा खासा लगता है। अब बाकी रही इंजन की बात, इंजन की अगर मैं बात करूं तो इस वाले जो है डीजल इंजन में जो आपको जो पावर मिलती है वो अच्छी खासी जो है, अगर आप जो है इसका ऑल व्हील ड्राइव जो है यहाँ पर ये वेरिएंट लेते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक में लगभग जो पावर आउटपुट है
2198 सीसी का फोर सिलेंडर वाला इंजन है इसमें, डीजल वाला। 182 bhp मिल जाती है 450 nm के जो है यहाँ पे टॉर्क के साथ में, तो टॉर्क अच्छा खासा है और साथ ही साथ और व्हील ड्राइव का जो है आप जो है यहाँ पे मजा ले सकते हैं। तो और बाकी ये था फटाफट से इसका जो है यहाँ पर एक टॉप एंड वेरिएंट का यहाँ पर जो है वीडियो, ऑल व्हील ड्राइव यहाँ पे डीजल में ऑटोमेटिक में आपको ये देखने को मिला, AX7 जो है एल वेरिएंट और डीप फॉरेस्ट कलर में। कैसा लगा ये कलर जरूर बताएं। सेफ्टी फीचर्स टॉप एंड वेरिएंट है, तो एडास के नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स ये सारे कुछ जो है आपको सामने लिखे हुए देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये कलर कैसा लगा मेरे को एक बार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो के साथ में।